हेलो एवरीवन, आज उस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो मुझे बहुत ज़्यादा कंसर्न करता है। इनफैक्ट मुझे ये वीडियो पहले बना लेना चाहिए था, पर मैं इतने ज़्यादा केसेस देख रही हूँ फेयरनेस क्रीम से अपने चेहरे ख़राब हुए वाले पेशेंट्स के, कि मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि पेशेंट्स को पता ही नहीं है चीज़ें, और वो अंधाधुंध जाके अपने नियर बाय केमिस्ट से ये चीज़ें खरीद रहे हैं और अपनी स्किन को लॉन्ग टर्म डैमेज कर रहे हैं। तो ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। फेयरनेस हमारे कल्चर और हमारी आजकल की नीड की बड़ी ज़रूरत बन गई है, और उसके लिए यंग जनरेशन कुछ भी करने को तैयार है। और वो देखते हैं एक एडवर्टिजमेंट कि ये ब्राइटनिंग क्रीम लगा लो और इससे आपके फेस ब्राइट हो जाएगा, और वो भागते हैं, और हमारी कंट्री में वो इतनी फ्रीली अवेलेबल है कि आपको आराम से वो मिल जाती है। आप कुछ दिन उसे यूज़ करते हो और उसका रिज़ल्ट देखते हो तो आप खुश हो जाते हो, लेकिन जब आप उसको छोड़ते हो फिर आपको उसकी प्रॉब्लम शुरू होती है, एंड फिर आप टेम्प्ट हो जाते हो कि चलो इसको दोबारा शुरू करें, तो फिर साइकिल शुरू होता है हमारे लॉन्ग टर्म डैमेज का। जो फेयरनेस क्रीम्स यूज़ होती है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो है वो तीन होते हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये तीन इंग्रेडिएंट्स हैं स्टेरॉइड्स, ट्रेटिनोइन एंड हाइड्रोक्विनोन। स्टेरॉइड्स ही सबसे ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट कॉज करते हैं। स्टेरॉइड्स मेडिकल साइंस के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, पर ब्रह्मास्त्र को अगर आप डेली यूज़ करोगे तो क्या होगा, डैमेज होगी ना, वही होता है स्किन के साथ। हम जाते हैं बेटनोवेट, लोबेट, बेटनोवेट एम, स्किन लाइट क्रीम, ये आराम से केमिस्ट के पास मिलती है, ज़रा सा पिगमेंटेशन हुई, स्किन केमिस्ट ने बोला आप ये लगा लो, और आप लगा लेते हो। इसके साथ जब आप इसको यूज़ करते हो तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, ये देखिए प्रॉब्लम्स आती है इचिंग ऑफ द स्किन, रेडनेस ऑफ द स्किन, जो थिनिंग हो जाती है, स्किन पतली हो जाती है, आपकी वेन्स, सुपरफिशियल वेन्स एंड कैपिलरीज दिखने लगती हैं, वो इरिटेटेड हो जाती है, जिस एरियाज में आपके फेशियल हेयर नहीं है वो भी स्टिमुलेट हो जाते हैं और आपको वो भी आने लग जाते हैं। एक्ने, वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स, पस वाले एक्ने, ये भी आते हैं इरिटेटेड स्किन पे। तो क्या होता है कि आप जैसे ही जब ये रोकते हो, क्योंकि रिजल्ट आना शुरू होता है तो आप कहते हो चलो मैं इसको थोड़े दिन नहीं लगाता, जैसे ही आप इसे रोकते हो ये सारे इश्यूज आने लग जाते हैं, और आप फिर टेम्प्ट हो जाते हो कि नहीं मैं इसको दोबारा यूज़ करता हूँ, और तब साइकिल शुरू होता है लॉन्ग टर्म डैमेज का, जो मैंने आपको बताया। आप ये देख भी रहे हो कि कितने सारी स्किन में डैमेज हुई है। इन चीज़ों को यूज़ करने से आप अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हो। स्टेरॉइड्स आर नॉट मेंट टू बी यूज्ड डेली, वो डेली यूज़ के लिए नहीं बने हैं। बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स में यूज़ होते हैं लेकिन वो छोटे टर्म के लिए होते हैं। पिगमेंटेशन में लॉन्ग टर्म यूजेज आप कर लेते हो और ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। अब इसको ठीक कैसे करें, सबसे पहले टेम्प्ट ना हो उसको रीयूज़ करने में, जो डैमेज हुई है उसको ठीक होने में टाइम लगेगा ही लगेगा, उसको शॉर्टकट्स मत ढूंढिए, वो जो जर्नी आपको डैमेज से बाहर निकलने की वो करनी पड़ेगी। तो उस केस में सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा विदाउट अ प्रिस्क्रिप्शन। सेकेंडली, स्किन रिपेयर पे फोकस करिए। स्किन रिपेयर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, स्किन रिपेयर में आती है सबसे पहले नॉन ड्राइंग फेस वॉशेस को यूज़ करना जो कि पीएच बैलेंस्ड हो। आप लेबल पढ़िए, उस पर लिखा होगा कि ये नॉन ड्राइंग है या ड्राइंग है, उसमें कोई भी एक्टिव्स नहीं होने चाहिए, जैसे सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये सब नहीं यूज़ करना। जब आपकी स्किन इरिटेटेड है तब आपको एक्टिव्स नहीं यूज़ करने, अब हमें उसको रिपेयर का काम कराना है। भाई अगर आपको चोट लगी है तो मैराथन थोड़ी भागोगे, आप हील करोगे ना पहले, तो वही हमें स्किन के साथ भी करना है। तो फेस वॉश यूज़ करना है नॉन ड्राइंग, पीएच बैलेंस्ड। सेकेंड, मॉइस्चराइज़र, आपका मॉइस्चराइज़र बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, उसके अंदर कोई फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई एक्टिव्स नहीं होना चाहिए, ब्लैंड मॉइस्चराइज़र होना चाहिए जो कि स्किन रिपेयर का काम करे। थर्ड आपका है सनब्लॉक, सन प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर हम ऐसी इरिटेटेड स्किन सन के टच में आएगी तो डैमेज इंक्रीज ही होगी।
ऐसे केसेस में आप केमिकल सनस्क्रीन्स को अवॉइड करिए, फिजिकल सनस्क्रीन्स पे ही रहिए और उसको रीअप्लाई करती रहिए हर थोड़ी देर बाद। जैसे मैंने आपको पहले बोला, नो एक्टिव्स, नो विटामिन सी, नो विटामिन ए, नो ट्राइंग ऑफ एनीथिंग, जस्ट रिपेयर, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनब्लॉक, सिर्फ इतना ही करना है। उसके बाद आप अपनी डाइट को अच्छा करिए, उसके अंदर वाटर इंटेक बढ़ाइए, आप चाय कॉफ़ी का यूज़ कम करिए, सप्लीमेंटेशन आप ऐड ऑन करिए जिंक का और विटामिन सी का, जो कि स्किन को रिपेयर करने में हेल्प करता है। लॉट्स ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड रॉ फूड्स जैसे कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, उसको डाइट में इंक्लूड करिए। 3 महीने से 1 साल लग जाता है स्किन को वापस आने में, इसीलिए उस टाइम पे आपका पेशेंट होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम हिम्मत हार जाते हैं बीच में, क्योंकि पिगमेंटेशन भी आ रही होती है, इंक्रीज डार्कनिंग होनी शुरू हो जाती है, इचिंग शुरू हो जाती है, तो हम वापस एक शॉर्टकट लेते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट आपको लॉन्ग टर्म में महंगा पड़ेगा। सोचिए, समझिए, जानिए और प्लीज़ स्टेरॉयड अब्यूज़ को रोकिए। फेयरनेस क्रीम्स को अननेसेसरी मत यूज़ करिए, दे आर बेटर वेज टू दिस। थैंक यू सो मच। Thank you.